तो नेक्स्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या हैं? डाइइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, इंसुलेटर मटेरियल है, जिसके अंदर एटम्स हैं, एटम से भरा होगा इंसुलेटर। अब वो जो एटम है, अगर तो ऐसा है, किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर, और वो घिरा होगा नेगेटिव चार्जेस के साथ। तो नेगेटिव चार्जेस तो आसपास घिरे हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम वाइज, पर हमने एक ही लिया, बस एक पॉइंट जहां पर सारा चार्ज है, प्लस छोटा बहुत है ना इसलिए। तो ऐसे नेगेटिव चार्जेस का एक कॉमन पॉइंट लेते हैं जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहां पर सारे का सारा पड़ा होगा। तो वो जो कॉमन पॉइंट, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, तो वो आपके एटम देखने में आपको ऐसे दिखेंगे। इन टाइप के एटम को बोलते हैं नॉन पोलर, इसमें कोई पोलर नहीं है। लेकिन कुछ एटम बाय नेचर ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो नेगेटिव चार्ज यहां पर है, तो इनमें कुछ दूरी दिखेगी, डायपोल मोमेंट होगा इनका खुद का, क्लियर है? इनमें कुछ डिस्टेंस होगा और ये गोल ऐसे नहीं होंगे। तो इस टाइप के एटम्स को क्या बोलते हैं? पोलर। शायद आपने केमिस्ट्री सुना भी हो, डिस्टॉर्टेड से होते हैं थोड़े से, ठीक है यहाँ तक? अब ये नेचर है, अब तो नेचर को स्टडी कर रहे हैं और नेचर को स्टडी करना ही फिजिक्स है, तो हम तो स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है ये, ठीक। अब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ पॉजिटिव मास ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड ही नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? पोलर। और अगर कोइंसाइड कर रहा है तो नॉन पोलर। तो अगर मैं डायग्राम के अंदर हम डिस्कस करें कि पोलराइजेशन क्या चीज है, पोलराइजेशन और पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नॉन पोलर देखने में ऐसे हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं लगाया तो ये ऐसे दिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे हैं, ये नॉन पोलर हैं। और जब मैं पोलर को ऑब्जर्व करता हूँ तो उनकी शेप ऐसी है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाया तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी है। अब सपोज करो मैंने इस एटम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैंने एक एटम इसमें रख दिया, तो था ये क्या? नॉन पोलर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हुआ क्या? नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, तो इसकी शेप डिस्टॉर्ट होगी। कैसी होगी? ऐसी हो गई। तो नॉन पोलर किसमें कन्वर्ट हो गया? पोलर। देखो टूटेगा नहीं, बस डिस्टॉर्ट हो गया। तो आपने नॉन पोलर को, जो नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या बन जाता है? पोलर। और अगर मैंने पोलर को रखा वो और ज्यादा क्या बन गया? पोलर, क्योंकि वो और उनमें प्लस माइनस में पहली दूरी थी, अब दूरी और भी ज्यादा हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कुछ नहीं है, नॉन पोलर पोलर बन जाते हैं, पोलर और पोलर बन जाते हैं, खिंच जाते हैं। कब? जब आप ऐसे एटम को किसमें अप्लाई करते हो, रखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक। ये कैसे काम करती है ये नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।